नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। विधानसभा में पूछे गए एक सवाल ने प्रदेश में बवाल मचा दिया है। 15 महीने की कांग्रेस सरकार चलाने वाले कमलनाथ और उनकी मंडली पिछले 6 महीने से हर मंच से किसान कर्ज माफी का भोंपू बजा रहे थे और बीजेपी 15 महीने की कांग्रेस के साथ ही अपने 6 महीने के कार्यकाल में भी पूरे समय यही बाजा बजाती रही कि कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है, उसने झूठे दावे किए हैं। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्वीकार किया कि सरकार ने करीब 27 लाख किसानों का 11.5 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया। इसके बाद भाजपा बैकफुट पर आ गई। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस ने जो कहा वो किया। अब कमल पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कांग्रेस ने कर्ज माफी का झूठा वादा किया। अगर कमलनाथ और राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो वो FIR कराएंगे। इसके बाद ग्वालियर में शनिवार को उन्होंने इस विवाद को और हवा दी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाजपा किसानों का कर्ज माफ नहीं करेगी। तो जाहिर है कि जब विधानसभा उपचुनाव के लिए ऐलान में कुछ ही समय बाकी है, ऐसे में कर्ज माफी का ये राग भाजपा के लिए कितनी मुसीबत पैदा कर सकता है। सत्ता के फाइनल में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव की घोषणा से पहले किसान कर्ज माफी के मसले ने सूबे की सियासत गर्मा दी है। एक तरफ शिवराज सरकार चुनाव से पहले किसानों को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहती है और किसानों को खुश करने के लिए सौगातों का पिटारा तक खोल दिया है, तो दूसरी तरफ उनके ही कृषि मंत्री सरकार की फजीहत कर रहे हैं। पहले विधानसभा में कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्वीकार किया कि सरकार ने करीब 27 लाख किसानों का 11.5 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया है, जिसके बाद से ही भाजपा बैकफुट पर आ गई है। और जब कृषि मंत्री को अपने कबूलनामे का एहसास हुआ तो वह लगातार कांग्रेस पर हमले कर रहे हैं। शुक्रवार को कमल पटेल ने कहा था कि कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर केवल भ्रम फैलाया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों से कर्ज माफी का झूठ बोला था। इसके खिलाफ पीड़ित किसान हर जिले में राहुल गांधी और कमलनाथ के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराएंगे। इसके साथ ही कर्ज माफी की सच्चाई जानने के लिए सरकार श्वेत पत्र भी लाएगी। वहीं शनिवार को भी कमल पटेल ने यही बात दोहराई। इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया कि कर्ज माफी का वादा कांग्रेस ने किया था, हम कर्ज माफ क्यों करें। जो कमलनाथ जी ने सोसाइटियों को गला घोट दिया था, सोसाइटियां डिफॉल्टर हो गई थी, किसानों को खाद बीज एक बोरी नहीं दे पा रही थी, सोसाइटियों को जिंदा करने के लिए हमने 800 करोड़ रुपया भी रिलीज किया है बजट में प्रावधान करके। अब हम इसकी पूरी समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने के बाद हम एक पॉलिसी लाएंगे और किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अभी हमने 4,000 रुपये किसानों को, प्रत्येक छोटा किसान है उसको भी दिया है। देखो, ये कर्ज माफी 2 लाख तक की, किसानों की कर्ज माफी 2 लाख तक के दस्तखत कमलनाथ ने कर दिए, और अगर उसने प्रावधान नहीं किया बजट में तो ये धोखाधड़ी की 400 BC की, उसके लिए कमलनाथ के खिलाफ FIR कराएं किसान। और हमने चुनाव घोषणा पत्र में कब कहा था कि हम कर्ज माफ करेंगे, और इसलिए ये धोखाधड़ी कमलनाथ ने की, वो उसका जब उससे पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो भाई। नहीं नहीं, हम क्यों करें। अरे यार, किसान मान रहा कि हमसे नहीं करा कि आप कर्ज माफ करो, कांग्रेस से पूछ रहा है। और इसलिए धोखा देकर आप एक बार सत्ता में आ गए, जीवन में कभी नहीं आएगी कांग्रेस, और उसके लिए कमलनाथ और कांग्रेस दोषी है, राहुल गांधी, इनके ऊपर FIR होनी चाहिए। उधर कमल पटेल के बयानों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि कृषि मंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, सदन में कुछ कहते हैं बाहर कुछ कहते हैं। पटवारी ने तो ये तक कह दिया कि विधानसभा के प्रश्न पर सिग्नेचर शराब पीकर किए थे या भांग के नशे में थे, या आप FIR की बात नशे में कह रहे हैं। आदरणीय कमल पटेल जी का मानस या उनकी मानसिक स्थिति ठीक है, या उनको अध्ययन ठीक नहीं करते। मैं मानता हूं कि उन्होंने 5 बार ये बात बोली कि FIR कराएंगे, आज तक क्यों नहीं कराएंगे, कराएंगे। जब आपने सदन में ये कहा कि हमने 26-27 लाख के लगभग किसानों का कर्जा माफ हुआ, वो क्या था, क्या उन्होंने शराब पी के सिग्नेचर किए थे कि भांग के नशे में सिग्नेचर किए थे, उस प्रश्न के उत्तर में कमल पटेल कहाँ थे जब वो जवाब दे रहे थे सदन में कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। मैं तो शिवराज सिंह जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, ऐसे अपरिपक्व मंत्री को इसी वक्त हटाना चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए, अन्यथा जनता तैयार है, हटा देगी। देखिए, जीतू पटवारी की मानसिक स्थिति खो गई है।
वो मानसिक संतुलन खो दिया, क्योंकि इनकी सत्ता चली गई, दलाली चली गई, अब सत्ता में भटक रहे हैं कि सत्ता आ जाए। और ये हरदा गए थे, एक किसान ने आत्महत्या की थी, रोटी सेकने घर वालों ने और गांव वालों ने इनको भगा दिया कि यहाँ राजनीति करने की जरूरत नहीं, धक्का दे के भगा, इसलिए वो पगला गया। और इसलिए बौखला के मेरे बारे में ऐसा कह रहा है, कमल पटेल को सब जानते हैं, कभी मैंने किसी चीज़ को नसीहत दूर किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाई, चाय पीना भी डॉक्टर के कहने से शुरू किया, नहीं तो बचपन से दूध पीता है, वो किसान का बेटा हूँ। और ये सटिया गया खुद जीतू पटवारी और कमलनाथ पागल हो गए, क्योंकि मैं सीधा हमला कर रहा हूँ, इन पे 420 120 का मुकदमा कायम हो रहा है, इन पे अमानत में खयानत का मुकदमा कायम होगा और इनको सत्ता से बाहर हमेशा के लिए रहेंगे, इसलिए ये बौखला रहे हैं। हम तो कमल की तरह खिल रहे हैं यार, खुशबू दे रहे हैं सबको, सबको कमल का फूल जो है खुशहाली समृद्धि और विकास का प्रतीक है। तो जाहिर है कि पहले जून 2018 और अब सितंबर 2020 दोनों बार किसान मुद्दा बना और फायदा कांग्रेस को मिला, तो क्या शिव ज्योति एक्सप्रेस भाजपा को इस मुसीबत से उबार पाएगी या कमलनाथ कांग्रेस के हाथ से कमल उखाड़ेंगे? बहुत कुछ इस किसान फैक्टर पर भी निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चोकसे। प्रभु जी, श्वेत पत्र भी ला रही है कांग्रेस बीजेपी, अब कर्ज माफी भी नहीं करना उन्होंने साफ कह दिया कृषि मंत्री ने आज, कि अब कोई कर्ज माफी नहीं करेंगे, वादा कांग्रेस का था और FIR कराएंगे। तो आपको लगता है अगर इस प्रकार से FIR होने लगी, अगर वादे पूरे नहीं होने पर, तो कोई भी इस देश का कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता ऐसा बचेगा कि जिसके खिलाफ FIR नहीं होगी? कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी बचेगी जिसने पूरे वादे किए हों, वादा खिलाफी नहीं किए हों? और जो ये पूरा मामला है कि जिसको लगातार बार बार तूल दिया जा रहा है, कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस ने कर्ज माफी का झूठा वादा किया है, केवल 6,000 करोड़ रुपए का ही कर्ज माफ़ किया है, बात 54,000 करोड़ की थी। वो ये कहते हैं कि किसानों के कर्ज माफ़ी के ज़बरदस्ती उन्होंने दस्तावेज दिलवा दिए किसानों को, बैंकों को पैसा दिया नहीं, बैंक डिफाल्टर होगी क्योंकि किसानों को उन्होंने पैसा माफ़ कर दिया। तो ये दोनों तीनों चीज़ें वो सारी की सारी कमल पटेल कह रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले आपने भी सुना, हमने भी सुना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वो किसान की बात कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान वो किसान की बात कर रहे हैं और कमलनाथ को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक अकेले कमल पटेल पूरे कमल दल पे भारी पड़ते जा रहे हैं। देखिए मनोज जी, कमल पटेल जो कह रहे हैं बहुत हद तक सही भी कह रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि कमल पटेल कोरी बयानबाजी कर रहे हैं, वो कृषि मंत्री हैं, कर्ज माफी का बहुत कुछ सच उन्होंने देखा होगा, हकीकत उनके पास है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो 2 लाख तक के कर्ज माफ नहीं हुए, तो ये तो कमलनाथ भी स्वीकार कर रहे हैं कि 2 लाख तक के कर्ज माफ नहीं हुए। कर्ज माफी हुई है, सरकार ने उसको लेकर विधानसभा के पटल पर जो जवाब प्रस्तुत किया है एक सवाल के जवाब में, उसमें 11,600 करोड़ रुपये का कर्ज माफ उन्होंने किया है, करीब 27 लाख किसानों का कर्ज माफ होने की बात स्वीकार हुई, ये अपनी जगह सही है। लेकिन ये जो बातें हैं कि जिस तरीके से वादा खिलाफी पर FIR करने की बात करें, ये स्वागत योग्य कदम है। आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग कमलनाथ, कांग्रेस, राहुल गांधी के खिलाफ FIR कराने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कल जो दूसरा दल होगा विपक्ष में, या ये सरकार हटेगी दूसरी पार्टी आएगी, उनसे जुड़े लोग भी FIR कराने जाएंगे। कम से कम इस देश में एक नया युग का सूत्रपात्र तो होगा, एक अवेयरनेस आएगी कि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए चाहे जो मुंह में आए, चाहे जो उनके विचार में आए, वो वादे कर देते हैं। वो ये उसमें डिक्लेयर नहीं करते अपने घोषणा पत्र में कि हम सत्ता में आएंगे तो ही देंगे, बिल्कुल उसमें केवल एक अपील होती कि हमको चुनाव जिताइए। वो वादे अपने बिहाफ पे करते कि हम आपको ये देंगे, हम आपके 2 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे, हम आपको स्कूटी देंगे, हम आपको साइकिल देंगे, हम आपके घर में TV लगाएंगे। उसके बाद क्या होता है, वो सत्ता में आते जनता के पैसे से, जनता के लोगों को, जनता का पैसा बंदर बांट किया जाता है, इसमें अधिकारी मलाई खाते हैं। जो इस पूरी कर्ज माफी में दिखाई दे रहा है कि सरकारी रिकॉर्ड में आप कह रहे हैं 90,000 कुछ लोगों के कर्ज माफ हुए, किसान, हमने जो रियलिटी चेक किया उसमें किसान के हाथ में सर्टिफिकेट है, उसका कर्ज माफ नहीं हुआ है। पैसा कहाँ गया, कहाँ, बिचौलिया कोई खा गए, किसी दूसरे खातों में डालकर खा गए, किसान को पकड़ा दिया सर्टिफिकेट। तो इसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासन के जो लोग हैं, जो बीच का एक चेन है, सिस्टम है, वो गड़बड़ियां करता है। तो बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है FIR जो आज हो रही है। ऐसे हर मामले में FIR होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। सभी राजनीतिक दलों की जो घोषणाएं होती हैं, यदि वो वादे पूरे नहीं करते हैं, जनता को जाकर FIR करनी चाहिए और इसकी वसूली उन दलों से होनी चाहिए। कर्ज माफी
जनता ने नहीं कहा था, कर्ज माफी की मांग किसी से पब्लिक से नहीं आई थी, किसानों से नहीं आई थी, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में ये वादा किया था। तो यदि कर्ज माफी नहीं हो रही है, यदि कर्ज माफी अधूरी है, तो इसकी जिम्मेदारी कमलनाथ और कांग्रेस की है, उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए और इसको तो अदालत को संज्ञान लेना चाहिए इसमें सुमोटो, और इस ऐसे राजनीतिक दलों से वसूली करना चाहिए जो कर्जे माफ़ की जो राशि अभी तक दी गई है उसकी वसूली करनी चाहिए, जो घोषणाएं करते हैं देने की उसकी वसूली करनी चाहिए। तो ये जनता का पैसा उसी किसान से लेकर, मनोज जी, उसी किसान से दूसरे मद में टैक्स लेकर, वो यदि ट्रैक्टर खरीदने जाता है तो उसका टैक्स आपने बढ़ा दिया, वो ट्रैक्टर सड़क पर चलाता है तो उसका टैक्स आपने बढ़ा दिया, उसी से लेकर पैसा उसी को राहत बांटने का ये कौन सा खेल है? नहीं, लेकिन वो तो ये कह सकते हैं ना कि वो जो वादा उन्होंने किया था वो 5 साल के लिए जब सरकार चलाने के हिसाब से था, सरकार तो 15 महीने में गिर गई। मनोज जी, मेरा कहना ये है इसमें कि जो वचन पत्र आप देख लीजिए, किसी पार्टी का घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, उस घोषणा पत्र में ये शर्त नहीं लगी होती बैंक की, जैसे आप इंश्योरेंस कराते हैं वैसी जो शर्त लगी रहती स्टार लगाकर, वैसी कोई शर्त नहीं लगी रहती उसमें कि हम सरकार में आए नहीं कर पाए, हमारी अधूरी सरकार चली, ऐसी कोई शर्त नहीं होती है। वो समय केवल आप लुभावने सपने बेच रहे हैं, वो उस सपनों के आधार पर आप चले गए। अब यदि इसको और जनरलाइज करूं इस पूरे मामले को, तो एक क्रीम इस देश में सदियों से सालों से बिक रही है, दशकों हो गए उसको बिकते हुए, फेयर एंड लवली, उसके खिलाफ कोर्ट में चैलेंज हुआ, कंपनी को अपना नाम बदलना पड़ा ब्रांड, क्यों? क्योंकि वो गोरा तो कर ही नहीं रही है, लोग काले के काले बने हुए हैं क्रीम लगा के, 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ गुजर गई। तो ऐसे झूठे वादे जो करने वाले हैं, जब उस कंपनी के खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है कि उत्पाद के मामले में, तो राजनीतिक दल का भी ये उत्पाद है, राजनीतिक दल भी ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं अपने वचन पत्र या घोषणा पत्र से, तो उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें विराम लगेगा। दूसरी बात, जो ये पूरे मामले को तूल पकड़ने की जो बात है, तो इस पूरे मामले में जो दिखाई दे रहा है मनोज जी, वो ये दिखाई दे रहा है कि चूंकि मंत्री की व्यस्तताएं अपनी ज़्यादा होती हैं, अफसरशाही पर उनने भरोसा किया और भरोसे की भैंस पाड़े ही जन्मती है, तो वो जो है अफसरशाही ने खेल दिखा दिया अपना। यदि ये चूक है, स्वाभाविक तौर पर मंत्री की भी इसमें चूक मानी जानी चाहिए, सरकार की चूक है, अफसरों ने तो चूक की ही इस पूरे मामले की, वो जवाब ऐसा दिया, यदि इस मौके पर, यदि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उस पर वो जो कह रही थी, तो कमल पटेल जो कह रहे हैं कि हमने वादा नहीं किया था तो हम क्यों कर्ज माफ करें, तो ये भी एक सोचने का विषय है कि एक सरकार बीच में यदि चली जाती है, यदि कोई निर्णय लेकर चली गई है, तो उसको आपने बिना विधानसभा में जाए, बगैर कोई आदेश निकाले, आप उसको खारिज कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। यदि आपने वादा नहीं किया और दूसरे का वादा आप क्यों ढो सकते हैं, ये भी एक सवाल है इसमें। तो ऐसे बहुत सारे किंतु परंतु इस पूरे मामले में, लेकिन एक अच्छे एंड की तरफ ये जा रहा है। चुनाव तो अपनी जगह है, यदि FIR होती है तो मामला मुझे लगता है कि और आगे बढ़ेगा, और कुछ जागरूक लोग इस मामले को अदालत तक यदि ले जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल, जागरूकता की आपने बात की है, ब्रजेश जी प्रभु जी ने जो कुछ कहा, निश्चित रूप से एक नई बहस को उन्होंने जन्म देने की कोशिश की है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। और जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि जिन नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो चुनाव में अगर उतरते हैं तो उनको अब समाचार पत्रों में, TV पे अपना बताना पड़ेगा आपराधिक मामले 3 बार कम से कम। तो एक ऐसा नियम भी बना दे चुनाव आयोग कि जिन लोगों ने घोषणाएं की है चुनाव के पहले, वो एक अपना हलफनामा दे और ये बताएं कि पिछली बार उन्होंने कितने वादे किए थे, कितने पूरे हुए, कौन से किस स्थिति में, उसका कारण क्या है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि आज हमने देखा है कि हरदा में कुछ किसान पहुँच गए हैं राहुल गांधी के खिलाफ, कमलनाथ के खिलाफ FIR कराने। लेकिन क्या जो प्रभु जी ने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है जिन्होंने ये जानकारी मुहैया कराई थी, क्या उन पर FIR नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो मंत्री या जो भी लोग कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा कराने का जिम्मेदारी एक सरकारी सिस्टम मशीनरी की होती है, और वो सिस्टम में कई बार हम देखते हैं कि कोई एक पुल स्वीकृत हो जाता है, 5 करोड़ की लागत है, वो बनते बनते 50 करोड़ हो जाता है, 1 साल में बनना होता है, 10 साल लग जाते हैं, भोपाल में भी हमने देखा, देश के तमाम हिस्सों में देखते हैं। तो एक घोषणा पत्र में ये चीज़ हो कि ये घोषणा इतने दिनों में पूरी होगी, दूसरा चुनाव आयोग की तरह उस पर बताया जाए कि कितनी घोषणा हमने पूरी की थी पिछले घोषणा पत्र में, और तीसरा अफसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां तो जो कर रही हैं वो कर ही रही हैं। मनोज जी, एक चीज़ तो आपने सही कहा, यदि चुनाव आयोग चाहेगा तो इस पर संज्ञान ले सकता है कि घोषणा जिस तरह से अपराधियों की करना पड़ती है, अखबारों में देना पड़ता है कि मेरे पे इतने अपराध मामले दर्ज हैं, इसी तरह घोषणाओं का भी सभी दलों को लागू हो जाए कि आपने कौन कौन से वादे पूरे किए हैं, कौन से नहीं किए हैं, उसकी भी एक सूची प्रकाशित करें, लोगों के सामने आ जाता है कि हम इतने वादे करके आए थे सत्ता में और इतने नहीं कर पाए। अब दूसरा सवाल ये है कि
मामला दर्ज होने वाला है, तो मामला दर्ज सरकार नहीं कर सकती, मामला दर्ज कर सकते हैं वो किसान, जहाँ तक कि जिनके साथ धोखा हुआ है, और वो भी वो किसान मनोज जी जिनको प्रमाण पत्र सरकार ने बांट दिए हैं, जिनको आयोजन करके पूर्व मुख्यमंत्री ने और मंत्रियों ने आवेदन प्रमाण पत्र दिए कि आपका कर्ज माफ़ हो गया, आप बेफिक्र हो जाइए, और वो किसान बाद में हमने भी रियलिटी चेक में दिखाया है कि वो डिफाल्टर घोषित हो गए हैं, तो वो डिफाल्टर घोषित हो गए हैं, उन पर ज़्यादा कर्ज बढ़ गया, दूसरा लोन नहीं मिला है, तो उनके साथ धोखा हुआ है, तो वो FIR करा सकते हैं कि साहब सरकार ने हमारे साथ धोखा दिया है, तो ये मामला आगे बढ़ सकता है। और रही सवाल जैसे आपने कहा कि अधिकारियों को भी जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि मनोज जी इसमें अधिकारियों ने वही जानकारी विधानसभा में दी होगी जो कागजों पे होगी, जिन लोगों का माफ हुआ होगा, तो कागज भी तो उन्हीं लोगों ने तैयार किए होंगे ना, उन्हीं लोगों ने तैयार की है, तो हो सकता है अपन जो कागज पे लिखा हुआ है जो विधानसभा उसी की सत्यता को माने, क्योंकि राजनीतिक दलों के और राजनेताओं और मंत्रियों के बयान शुभ लाभ से प्रेरित रहते हैं कि भाई उनको चुनाव में जाना है और जनता को जवाब देना है, अधिकारियों को जनता को जवाब नहीं देना, उनको तो लिखा पढ़ी में जो सच होगा वही उन्होंने दिखाया हो, तो उन पर जिम्मेदारी कैसे तय हो सकती है? हो सकता है इसको राजनीतिक रूप से देखा जाए तो इसमें लापरवाही जो भी है राजनीतिक दल की है मंत्री की है, उनको अपने नफा नुकसान के हिसाब से, जैसे 28 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है, तो उस हिसाब से जवाब जाता कि जैसे होते हैं जवाब की जानकारी एकत्र की जा रही, जो सरकार नहीं देना चाहती, कई सवालों के जवाब सरकार ने पहले भी नहीं दिए हैं, तो इसको डिले किया जा सकता था, लेकिन जो विधानसभा में जवाब गया है तो हम उसे सत्य ही मानेंगे, क्योंकि विधानसभा एक ऐसी जगह है जिसकी सत्यता पर कोई किसी को प्रेसेंशन नहीं लगा सकते हैं, हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि गलत जवाब चले गए हैं उसमें संशोधन हुआ, तो यदि इसमें होता तो सरकार इसमें 4-5 दिन हो गए हैं अब तक, तो संशोधन आ ही जाता सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा स्पष्टीकरण कोई आया नहीं है कि भाई इतने लोगों के किसानों के कर्ज माफ़ नहीं हुए, किसानों के कर्ज जितने आए हैं आंकड़े उतनों के माफ़ हुए होंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसी हैं, हमने भी देखा है रियलिटी चेक में कि किसी किसान की संख्या तो आपने बता दी है कि 3 लाख किसानों का कर्ज माफ़ हुआ, लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि कितने तक का, जैसे 1.5 लाख तक का है, लेकिन किसी किसान का 50,000 का कर्ज भी था लेकिन उसको 10,000 ही माफ़ हुए हैं, 1,000 ही माफ़ हुए हैं, और किसी के 25,000 माफ़ हुए हैं 50,000 में से, 1.5 लाख पूरा कर्ज माफ़ नहीं हुआ है, तो ये सब गड़बड़ियाँ हैं, इसलिए आंकड़ा ज़्यादा दिख रहा है और रकम कम दिख रही है। तो मनोज जी, इसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी एक तरह से नहीं बनती है, यदि बनती होती तो अब तक सरकार कार्रवाई कर देती। प्रभु जी, कार्रवाई बनती कि नहीं बनती इस पर भी कभी चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन अभी जो हम मुद्दे की बात कर रहे हैं और उसमें हमने अभी एक चीज़ देखी कि जो कुछ इतने गंभीर इशू है जिसपे हमने देखा कि किसानों ने कई सारे आत्महत्याओं का सिलसिला चल रहा है, किसान परेशान है, डिफाल्टर हो गया, खाद बीज नहीं मिल रहा है, मौसम की मार के कारण उसकी फसलें खराब हो गई, मुख्यमंत्री खुद जगह जगह गए हैं, सर्वे चल रहे हैं, इस बीच में एक मंत्री, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी कहते हैं, जो कि खुद को कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ या खुद किसान भी हैं, वो ये कहते हैं कि कृषि मंत्री ने शराब पीकर या भांग पीकर ये शायद साइन कर दिए होंगे, कृषि मंत्री कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, मैं तो दूध पी रहा हूँ, तो इस पूरे झगड़े में एक दूसरे को बकवास कह रहे हैं, निकम्मा नकारा साबित कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे झगड़े में उस किसान की चिंता कहीं आपको दिख रही है जो जहर पी रहा है, जिसको दूध तो छोड़ ही है, जिसको जहर पी रहा है, जो फांसी लगा रहा है, जो जान दे रहा है, जो कर्ज के कारण, उसको लेके कोई गंभीरता दोनों दलों की ओर से अभी तक आई नहीं है कि इसको रोकने का क्या प्रयास किया जाए। कर्ज माफ़ी अपनी जगह है कि आपने कह दिया नहीं करेंगे, कांग्रेस ने कहा हमने तो कर दिया था, सरकार चली गई है, ऐसा तमाम सारे इशू हैं, लेकिन वो किसानों की कर्ज माफ़ी से हटकर कि किसानों की आय दोगुनी होना उसकी कोई बात नहीं हो रही, आपने कहा 6,000 केंद्र सरकार दे रही, 4,000 हम दे देते हैं, लेकिन कोई गंभीर चिंतन मनन मंथन इस पर नहीं होता दिख रहा दोनों दलों का। देखिए मनोज जी, ये जो डिटोरेशन हो रहा है शब्दों में या नेताओं की बातचीत में, इसकी मुख्य वजह है उपचुनाव। अब आज से 1 महीने पहले की स्थिति में देखिए, 1 महीने पहले की स्थिति में बड़े संतुलित बयानबाजी हो रही थी, नपे तुले शब्दों में लोग बात कर रहे थे एक दूसरे के खिलाफ, और जो जो चुनाव करीब आ रहा है उनके शब्दों की मर्यादा गिरती चली जा रही है, बात करने की शैली ज़्यादा आक्रामक होती चली जा रही है, डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं एक दूसरे पर, क्योंकि जनता को यही सुनना पसंद है, मूल मुद्दे पर लोगों के जाना शायद नेताओं को पसंद नहीं, उनको मालूम है कि यदि मूल मुद्दे पर गए तो उनके लिए मुश्किल होगी, बिल्कुल, क्योंकि इस देश में देश के आज़ाद होने के बाद से विकास के नाम पर ही सारे चुनाव लड़े गए, कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि उनके जो वचन पत्र या घोषणा पत्र होता है उसमें विकास के वादे होते हैं, लेकिन वो विकास के मुद्दे को लेकर मंच पर नहीं जाते, बिल्कुल गाहे बगाहे जाते हैं, जब बहुत विषम परिस्थितियां हो दिख रही हो सामने, जनता बहुत उद्वेलित हो तभी वो विकास की बात करते हैं, नहीं तो विकास सेकेंडरी होता है, एक दूसरे पर आक्रमण ज़्यादा होता है, उसकी जो उसने कोई बयान दिया उस बयान का पलटवार करना, क्योंकि ये जो चीज़ें ये ज़्यादा
सुनी सुनाई बातें ज़्यादा चर्चा में रहती हैं, लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब आंकड़े दे दीजिए कि आप 25,000 करोड़ रुपया की आपको सौगात दे रहे हैं तो क्या क्या सड़कें बनेंगी, इसमें तालाब खोदेंगे, वो जनता उतना याद नहीं रखना चाहती उसको। लेकिन ये जरूर याद रहेगा कि जीतू पटवारी ने कमल पटेल को क्या कहा था, कहा था कि शराब पीकर इनने क्या साइन किए, कमल पटेल ने क्या कहा जीतू पटवारी को कि मैं जाट हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैं तो दूध पीता हूँ, ये चीज़ें याद रहेंगी। तो नेताओं को ये मालूम है, चूँकि नेता लगातार जनता के बीच में रहते हैं, उनको बहुत अच्छे से मालूम है जनता की नब्ज किन शब्दों को पकड़ती है, किन से दूर भागती है, वो पूरी एहतियात बरत कर पूरी सतर्कता के साथ बयानबाजी करते हैं। हमको लगता है देख कर कि ये स्लिप ऑफ टंग हो गया, ऐसा कई बार हो भी जाता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं। आमतौर पर जब आते हैं पब्लिक के बीच में तो बड़े सधे हुए शब्दों में पहले से लाइन तय करके आते हैं कि कहाँ बोलना है, और कुल मिलाकर जनता को भटकाते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप इसको कैसे देखेंगे प्रभु जी कि जो कमल पटेल कह रहे हैं और जो कुछ मुख्यमंत्री कह रहे हैं और ये शिवराज ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसा लग रहा है कि तालमेल की कोई कमी, या तो एक आपका जब मुख्यमंत्री कह रहा है जिसकी मास अपील है, या तो वो सारी चीज़ें ब्रीफ करें, या कृषि मंत्री के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाए कि वो ब्रीफ करें? देखिए प्रजी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि चुनाव बिल्कुल आ गए हैं और इस मौके पर अलग अलग ढोल नहीं बज सकते हैं। स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह तय किया होगा कि चूंकि कमल पटेल कृषि मंत्री हैं, बहुत आक्रामक नेता हैं, उनको पहले भी मंत्री रहे, सभी उनके तेवरों को जानते हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे लंबे तौर पर, तो डायरेक्ट अटैक का जो जिम्मा है कांग्रेस पर या कमलनाथ पर, वो जिम्मा कमल पटेल को दे दिया गया होगा। और शिवराज सिंह चौहान को देखिए, वो कर्ज माफी की बात तो कर रहे हैं लेकिन बड़े संतुलित शब्दों में करते हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बड़े संतुलित शब्दों में बात करते हैं। आप याद कीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस छोड़ने की जो मुख्य वजह क्या थी, जो मुख्य वजह थी उसमें यही था ना कि कर्ज माफी का वादा खिलाफी की गई, वो पूरी नहीं हुई, तो वहां पर है। लेकिन 5 महीने में उनने ये नहीं कहा कि जिस वादे के लिए उनने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, वादा पूरा कराएंगे कि नहीं कराएंगे। वो ये कह रहे हैं कांग्रेस गद्दार है, वादा खिलाफ है, लेकिन एक बार भी सिंधिया ने किसी भी मंच पर ये नहीं कहा कि मेरी पिछली सरकार ने वादा किया था कि सारे किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ होंगे, अब मैं नई सरकार में आ गया हूँ, मेरे दम पे ये सरकार चल रही, तो मैं यहाँ पर वो वादा पूरा कराऊंगा, ये शब्द सिंधिया नहीं कह रहे और उनके समर्थक भी नहीं कह रहे हैं। हाँ, उनके समर्थक भी नहीं कह रहे। तो ये बहुत नेताओं का ये होता है कि उनको जनता को केवल छल, कपट, प्रलोभन, प्रबंधन, ये सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छे से आती हैं, तो वो जनता से वही व्यवहार करते हैं कि वो केवल उनकी बातों को सुने, समझे, एक भ्रम में बनी रहे, वो जैसा चाहते हैं उस दिशा में वो जाए, वोट कन्वर्ट हो उनके पक्ष में। जैसे ही उपचुनाव हो जाएंगे, आप ये देखिएगा कर्ज माफी का ना तो कोई मुद्दा रहेगा ना कुछ वो होगा। क्यों? क्योंकि कर्ज माफी का जो विधानसभा में जो जवाब दिया गया है वो सरकारी आंकड़े हैं, जैसा ब्रजेश जी भी बता रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट है कि सरकार के पास जो आंकड़े हैं वही हैं। ये कमलनाथ जी ने एक बार अभी पेन ड्राइव जारी की, उसके पहले जब वो सरकार में थे तो बकायदा उन्होंने आंकड़े जारी किए थे। शिवराज सिंह चौहान जो नेता उस समय विपक्ष के नेता थे, गट्ठर रख के सिर पर पहुंचे थे, पर जो है ट्रक में रखकर गट्ठर पहुंचाए गए थे। तो ये आंकड़े सरकार के रजिस्टर में है, अब उसको आप वेरीफाई करने जमीन पर जाते हैं जिस तरीके से हमने किया, तो आपको फिर लूप होल समझ में आते हैं कि गड़बड़ है। लेकिन यदि आप उन आंकड़ों को देखते हैं तो वहां पर कर्ज माफी दिखती है आंकड़ों में, और जो दावा है उतनी दिखती है जी, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं। अब उसमें क्या श्वेत पत्र लाएगी भारतीय जनता पार्टी, आप ये बताइए। उन्हीं की सरकार ने विधानसभा में स्वीकार कर लिया एक जवाब में कि इतने इतने कर्ज माफी हुई, अब उसमें क्या श्वेत पत्र आप लाने जाएंगे, आपकी सरकार है। तो ये केवल जनता को बरगलाने की एक बात है, भ्रम में डालने की बात है कि भाई ऐसा हो गया है, एक गलती आपसे हो गई है, सांप निकलने के बाद लकीर पीटने वाली बात है, क्योंकि सांप तो निकल ही गया है। उसको कांग्रेस को जो उसका माइलेज लेना था उस जवाब का, वो जवाब माइलेज कांग्रेस ले रही है, अब आप लकीर पीटते रहिए, जनता FIR कराने जा रही है, FIR होगी, 2-4 खबरें बनेंगी, कुछ जगह पर असर होगा इसका। लेकिन ये भी जरूर सत्य है इस पूरे घटनाक्रम में मनोज जी, किसी भी एक गांव में यदि 10 किसान हैं तो उसमें से 5 ऐसे भी हैं कि जिनका कर्ज माफ हुआ है पूरी तरह, कुछ ऐसे हैं जिनका आधा अधूरा हुआ है, कुछ ऐसे हैं जिनका बिल्कुल नहीं हुआ है, कुछ लोगों के पास फर्जी सर्टिफिकेट दिए, तो छल कहीं ना कहीं तो हुआ है पूरे मामले में। ये नहीं कहें कि सबके कर्ज माफ हुए हैं, ये नहीं कहें कि पूरी तरह धोखा दिया है, बिल्कुल, लेकिन कुछ ना कुछ तो दोनों पक्ष हैं। तो सारे पक्ष यदि सामने अपने अपने तथ्य लेकर आते हैं तो कार्रवाई भी बनती है जिस तरीके का जो पक्ष चाहता है। बिल्कुल, बड़ी बात है और एक नई बहस आपने छेड़ी, और उम्मीद है कि राजनीतिक दल इस पर सबक लेंगे और कुछ जागरूक लोग इस पर इनिशिएटिव भी लेंगे। बहरहाल आप दोनों का चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर
किसान कर्ज माफी एक ऐसी चीज है या कोई भी जो लालच प्रलोभन की चीजें हैं, तो जनता का पैसा ही, जैसा प्रभु जी बता रहे थे कि जनता से ही पैसा लेकर जनता को ही सौगात बांट दी जाती है। होता यह है कि पैसा 100 लोगों से लिया जाता है, सौगात 2 लोगों तक मिलती है और चांदी है बीच के 25-50 लोगों तक पहुँच जाती है। और एक सोशल मीडिया में कई दिनों तक एक जोक चला था, वो इसलिए भी क्योंकि घटनाक्रम ऐसा है कि नेताजी ने वादा किया था भेड़ों से कि वो आपको कंबल बांटेंगे। कुछ समय बाद जब एक भेड़ ने माँ से पूछा कि वो कंबल के लिए ऊन कहाँ से आएगा, तो जाहिर सी बात है कि ऊन उस भेड़ से ही आएगा जिसको कंबल बांटे जाने हैं। तो यही कुछ कर्ज माफी हो या बाकी जो सरकारी सौगाते हैं या खेराते हैं, उसका ही काला सच है। लेकिन उस किसान की जिम्मेदारी के, उसके प्रति जो जिम्मेदारी है राजनीतिक दलों की, जो अन्नदाता है, उसकी चिंता राजनीतिक दलों को गंभीरता से करना चाहिए कि जो सबका पेट भर रहा है वो भूखा पेट क्यों सो रहा है, वो क्यों फांसी लगा रहा है, क्यों वो लोगों को दूध पिला रहा है और उसके हिस्से जहर आ रहा है। तो सत्ता के फाइनल में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।